वैष्णो, कैसे हो आप सब? तो आज मूड थोड़ा सा मेरा ख़राब है क्योंकि मुझे आज सारा काम खुद करना पड़ेगा। रात को ही मम्मी और दीदी चले गए थे मामा के बेटे के वहाँ, उनका लड़का हुआ है तो उसका नामकरण था, इसलिए वो वहीं चले गए। भाई उनको छोड़ने गए हैं तो वहीं से सुबह ऑफिस चले जाएंगे और आज मैं रहूँगी पूरे दिन अकेली। तो मॉर्निंग में सबसे पहले फ्रेश होकर मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो रात को ही मैंने भिगो रखे थे बादाम, में वही खा रही थी बैठकर। और मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे काम मेरे ही हवाले छोड़ गए हैं और रात को आकर देखेंगे मैंने कुछ नहीं करा तो मेरे पे बजेंगे, इसलिए अब मैं शुरू करूँगी अपना काम। मैंने सुबह ही लिस्ट बना ली थी कि कौन से काम मुझे कब करने हैं। सबसे पहले मैं करूँगी वो काम जो मुझे करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये है बेडशीट बिछाना। एक तो ये इतनी लंबी बेडशीट मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से घुसाऊँ इसको, कहाँ डालूँ बैठकर, दिमाग ख़राब मेरा हुए जा रहा था। स्ट्रगल आप मेरा देख ही रहो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसको कहाँ डालूँ, लेकिन मैंने जैसे तैसे इसको बिछा लिया। इसके बाद मैंने कवर्स भी चेंज नहीं करे पिलो के, मम्मी ने बोला था लेकिन मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने घुचमुच करके कुछ भी रख दिया। यहाँ पर ना आपको लाइटनिंग ना थोड़ी अजीब सी दिख रही होगी, एक्चुअली क्या है ना रूम पर ना नेचुरल लाइट आती नहीं है तो कैमरे में बहुत ही धुंधला धुंधला दिखता है, तो आप लोगों को साफ दिखे इस वजह से मैंने एक लाइट लगाई हुई थी बड़ी सी, तो ये उसी की रोशनी है और उस वजह से थोड़ा इतना अजीब सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। और अब मैं जा रही हूँ अपने टेबल को साफ करने, इसे साफ करती हूँ और फिर आपसे आगे की बात करती हूँ। बचपन से ना मुझे बड़ा शौक़ है मतलब अकेले रहने का, अकेले चीज़ें मैनेज करने का, लेकिन सच बता रही हूँ अकेले रहना जितना अच्छा लगता है ना देखने में, दूसरों को देखने में, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने में, क्योंकि मुझे एक ही दिन में पता चल गया कि मेरी मम्मी कितनी चीज़ें मैनेज करती है, मतलब हमारी हालत ख़राब है। और ये तो इतना सा काम है जो सिर्फ घर का है, अगर बाहर का भी देखा जाए तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखने में इतना एडवेंचरस लगता है, इतना अच्छा लगता है, पर नहीं अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ऊपर वाले मंदिर वाले फ्लोर पे तो झाड़ू और पोछा दोनों लगा लिया था, लेकिन मैं बीच वाले और नीचे वाले फ्लोर में सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी हालत अभी से ख़राब है और मुझे आगे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद मुझे वीडियोस भी बनानी है, अपने अगले खाना भी बनाना है, तो मैं बस सफाई में इतना ही काम करूँगी। और ये वाला एरिया आप लगभग मेरी वीडियोज़ में देखते ही होंगे क्योंकि मैं इसे रेगुलरली साफ़ करती हूँ और बहुत इन्जॉय करती हूँ, इसलिए ये वाला पार्ट तो मैं ज़रूर अपनी वीडियोज़ में ऐड करती हूँ। मैंने अकेले रहना ना अभी कुछ टाइम पहले से ही सीखा है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं रह पाती थी। दिन तक तो मेरे को चल जाता था लेकिन मैं रात को अकेले नहीं रह पाती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे सीख लिया है और अब मैं इजीली अकेले रह लेती हूँ। अब सफाई का काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं फटाफट चलूँगी नहाने। नहाने के तुरंत बाद मैं अपनी माता रानी के पास गई, मैंने पूजा कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं अकेली हूँ और मुझे कुछ हल्का खाने का मन है, तो मैं बना रही हूँ अपने के लिए पोहा, वही बेस्ट है। तो मैंने पोहा निकाल लिया था, पीनट्स ले लिए थे, थोड़ी सी गोभी बची थी वो ले ली थी, नींबू ले लिया था और ऊपर से मैं कड़ी पत्ता भी तोड़ कर ले आई थी। अब मैं छोटे छोटे हिस्से में गोभी को काट लेती हूँ। अब मैं लाइफ में ये तीसरी या चौथी बार मैं भी पोहा बना रही हूँ, तो बीच में कुछ गलती हो सकती है। अब जैसे जैसे मुझे आइटम याद आता रहेगा कि हाँ ये भी डालते हैं ये भी डालते हैं, मैं आपको दिखाती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। इसके बाद मैंने जो गोभी काटी है उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब जो मैंने बाउल में पोहा निकाला था उसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं पानी में भिगोकर नहीं रखती हूँ क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही स्मूथ हो जाते हैं और वो भात जैसा बन जाता है, इसलिए मैं इसको बस हल्का सा साफ करके निकाल देती हूँ। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और उसको गर्म कर लिया था। चेक करने के लिए मैंने उसमें थोड़ी सी जीरे डाल के देख लिए थे कि गर्म हुआ या नहीं हुआ। पीनट्स को मैं पहले थोड़ा फ्राई कर रही हूँ ताकि वो थोड़े से स्मूथ हो जाए और उनका टेस्ट और अच्छा आए। इसके बाद ये मैंने किसी वीडियो में देखा था।
तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया जो कटी हुई गोभी थी वो, इसमें थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाला और इसको थोड़ी देर भून रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर मसाले ऐड करूँगी, नमक डाला मैंने, मिर्च डाला और हल्की सी हल्दी डाली। लोग इसमें चीनी भी डालते हैं लेकिन मैंने वो नहीं डाला, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जो मैंने पोहे धोए थे मैंने वो उसमें डाल दिए। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करा और अच्छे से थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। शक्ल से तो बहुत टेस्टी लगने लग गया था, मैं टेस्ट करके देखूंगी क्या होता है। फिर लास्ट में जब ये पूरा पक गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू लेकर निचोड़ दिया था एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। अब आपको अपनी महानता की क्या ही गाथा बताऊं, वही बात है ना, जो किचन में पहली बार घुसेगा उससे यही होगा। जब मैंने थोड़ा खा लिया इसके बाद मुझे याद आया कि फ्रिज में धनिया भी पड़ा हुआ है और मेरे पास थोड़ी सी नमकीन भी है। फिर मैंने बाद में इसको ऐड करा और इसके बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया था। ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बना था। अब अपने हाथों की क्या ही तारीफ करूँ, बहुत ही अच्छा बना था, क्या ही बताऊँ बस आपको। ये मेरा ब्रेकफास्ट का सही जुगाड़ बन गया था, पेट भी बहुत अच्छे से भर गया था, बर्बाद भी नहीं हुआ और अकेले के लिए बहुत काफ़ी भी और टेस्टी भी हो रहा था। इसके बाद मुझे थोड़ा सा शूट करना था, मेरे को अपने के लिए एक शॉर्ट बनाना था। आपने शायद वो देख भी लिया होगा, मैंने शॉर्ट डाला था तो मैं उसी की शूटिंग कर रही थी। इसके बाद मैंने यही आइटम लगा, मतलब ये शॉर्ट्स का ही था, मैंने उसके लिए धनिया मेथी क्या नहीं हल्दी बुनी थी वही है। इसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, खाने के भी हो गए थे, फिर मैंने वीडियो बनाई थी उसके भी हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले ऐसा करती हूँ बर्तन निपटा लेती हूँ। इतने आपको अपने बचपन की एक स्टोरी बताती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, घर पे कोई होता भी था ना तो भी पूजा नहीं कर पाती थी, आपको पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं पूजा करने बैठूंगी और मेरे पीछे से कोई आ रहा है, कोई मेरे चाकू घोप रहा है, मतलब मुझे ऐसे बेफालतू के इमेजिनेशन होते थे जिस वजह से मैं कभी भी अकेले पूजा ही नहीं कर पाती थी। मुझे पूजा करने के लिए भी कोई ना कोई साथ में चाहिए होता। और आज तुम्हारी बहन अकेले रह रही है, देख रहे हो, मतलब समय बदल देता है यार, इंसान को बदल देता है धीरे धीरे। आप जो नहीं करते हो ना वो भी करने लगते हो, क्यों? क्योंकि आपको समय सिखा देता है। इतना करने के बाद दिन के खाने का समय हो ही गया था, मैंने सोचा आम खा लेती हूँ। आम मैंने खाया, इसके बाद मैंने केला और दूध भी खा लिया था, तो मेरे दिन का जुगाड़ हो गया था। मैंने दिन में इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया था। ये मैं चूसने वाला आम खा रही हूँ, मुझे ये जनरली बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर अब यही था तो मैंने इसलिए खा लिया। मुझे वो जो मोटे मोटे होते ना, पीले पीले रंग के मोटे मोटे, जिनका शेक बनता है, वही अच्छे लगते हैं, और शेक भी अच्छा लगता है उनका और उनको वैसे खाने में भी अच्छा लगता है, तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ गया। आप लोगों को कौन सा आम अच्छा लगता है मुझे बताना। और मुझे ये भी पता चला रिसेंटली कि हर आम के अलग अलग नाम होते हैं, कोई दशहरी होता है, कोई बानरमुखी होता है, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, इनके अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, तो मुझे तो यही ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपको कौन सा आम पसंद है मुझे ज़रूर बताना। सुबह काम वगैरह करने की वजह से मैं जल्दी उठ गई थी, अब मैं चली मस्त नींद निकालने। ज़्यादा देर नहीं सो पाई, बस एक ही घंटा सो पाई, और यहाँ मैं अपने कान्हा जी को उठा रही थी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मेरे पास कान्हा जी हैं और इनकी सेवा मैं ही करती हूँ, ज़्यादा तो मुझे अभी आता नहीं है, मतलब सीख रही हूँ धीरे धीरे। भगवान मेरी बहुत भूल चूक गलती को माफ़ करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो मेरे से जितना हो पाता है मैं इनकी सेवा करती हूँ। इतने में बजा मेरी मम्मी का फ़ोन और उन्होंने कहा ऊपर मेरे पौधों को पानी दे देना। मैंने खाया ही नहीं खाया, इसकी मम्मी को ज़्यादा टेंशन नहीं है, उनको अपने पौधों की बहुत टेंशन है। तो मैं फटाफट ऊपर चली गई थी और मैंने बाल्टी भर भर के उनके पौधों पर पानी डाला। आजकल बरसात हो रही है ना तो पौधे बहुत ग्रीन ग्रीन अच्छे अच्छे से लग रहे हैं, ऐसा लगता है हमेशा ही पानी मिला रहता है उनको, पर फिर भी पानी तो देना बनता है। अब मैं जो इतना डर डर के दे रही हूँ ना पानी, जैसे एहसान कर रही हूँ, मैं एहसान नहीं कर रही थी। अब बारिश हो रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े वगैरह का डर लगता है, छिपकलियाँ इतनी सारी हो रही है ना और छोटी छोटी हो रही हैं, तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है, तो बस इसलिए मैं डर डर के दे रही थी कहीं मेरे ऊपर कोई उछल के ना आ जाए। वैसे ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा सही रहा, मतलब थोड़ा सुबह काम करना पड़ा लेकिन मुझे चीज़ें समझ आई कि मतलब मैनेज करनी, अकेले मैनेज करनी कितनी मुश्किल होती है, जबकि मैंने तो घर घर में मैनेज करा है। जो लोग अंदर और बाहर दोनों साइड देखते हैं उनके लिए हैट्स ऑफ है, और स्पेशल हैट्स ऑफ है हमारी मम्मियों के लिए जो इतना काम अकेले मैनेज करती हैं और हम फिर भी डिमांड करते रहते हैं। और वैसे आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं अकेली नहीं थी,
क्यों नहीं थी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ थे। मुझे ऐसा लग रहा था हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब कोई मेरे साथ है। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपने वीडियो इंजॉय करी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके बाय बाय।